कोलकाता 2006, दिल्ली पुलिस की SIT ने शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया। बिहार के हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भागा ये व्यक्ति अचानक क्यों इंडियाना जोन्स ऑफ इटावा के नाम से मशहूर हुआ। बात है 2002 की। तिहाड़ जेल में कैद शेर सिंह राणा को पता चलता है कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मोहम्मद गौरी के मकबरे के दरवाजे के पास दफन है, और तो और हर आने जाने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर थूकना और जूते मारना जरूरी होता है। ये सुनकर शेर सिंह राणा का भारतीय हिंदू खून खौलने लगा और उन्होंने प्रण लिया कि वे हर हाल में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लेके आएंगे। फरवरी 2004, बिहार से भागने के बाद शेर सिंह राणा पहले बांग्लादेश, उसके बाद दुबई, वहां से अफगानिस्तान पहुंचते हैं। तालिबान के अधीन उस खतरनाक देश में अपनी जान की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में वह पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को गौरी के मकबरे से चुरा लाते हैं और एविडेंस के तौर पर इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाते हैं। जरा सोचिए, 1192 से लेकर अब तक भारतवर्ष के इस महान राजा पृथ्वीराज चौहान की आत्मा कितना तड़पी होगी। इस वीडियो का उद्देश्य भारतीय इतिहास के कुछ अनछुए पहलू, पृथ्वीराज चौहान की गरिमा के साथ हुए तिरस्कार और शेर सिंह राणा के साहसिक कार्य की बात करना मात्र है। शेर सिंह राणा द्वारा निजी जीवन के कृत्य लीगल मैटर को लेकर ना तो कोई समर्थन करते हैं, ना ही हम उनके व्यक्तित्व की कोई बड़ाई कर रहे हैं।